ब्रेक के बाद आपको एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तर्ज पर लाडला भाई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। अब महाराष्ट्र में 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए हर महीने महाराष्ट्र सरकार देगी। युवा एक साल तक अप्रेंटिसशिप करेंगे, अप्रेंटिसशिप के दौरान सरकार युवाओं को पैसे देगी, अप्रेंटिसशिप के अनुभव के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। सीएम शिंदे ने कहा कि इस योजना से महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति तैयार होगी। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, सीएम शिंदे के ऐलान पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तंज कस दिया है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार को सब याद आएंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि सीएम शिंदे सरकारी खजाने से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे का चुनावी जुमला है और महाराष्ट्र के लोग इसमें फंसने वाले नहीं हैं। वो सुनाते हैं आपको संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री विविध योजनाएं घोषणा कर रही है। मदद की महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसके पहले ही महाराष्ट्र सरकार विविध योजना की घोषणा कर रहे हैं। पहले लाडली बहन योजना घोषित की, फिर उसके बाद पंडरपुर में मुख्यमंत्री के जरिए लाडला भाई योजना ये घोषित की गई। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए यूबीटी के नेता सांसद संजय राउत जी, उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि उनकी क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया है। राउत साहब स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। जिस प्रकार से, जिस गति से हम आगे जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, उसी गति से, वेगवान गति से योजना भी यहाँ पे लाई जा रही है। देखिए, चुनाव के समय, चुनाव से पहले, चुनाव पूर्व बजट जो होता है, चाहे केंद्र का हो या चाहे राज्य का हो, वो पूरा चुनावी प्रचार बजट होता है। जो भी पैसा दिया जाता है या उसका आवंटन होता है, उस चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। योजनाएं महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, अब तक आपको लाडली बहन की कभी याद नहीं आ गई, चुनाव आ गया तो लाडली बहन, लाडला भाऊ भाई, ये होता रहता है। नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वही उनके नीचे के लोग करते हैं। पैसा स्टेट का होता है और ये एक जरिया होता है वोट खरीदने का, सरकारी पैसे से अधिकृत तौर। यानी आप कह रहे हैं कि सरकारी तिजोरी से पैसे डालकर ये वोट खरीदने का तरीका है। लेकिन महाराष्ट्र में अब ये वोट खरीदने की मशीन बंद हो गई है। महाराष्ट्र के ऊपर 8,00,000 करोड़ का कर्जा है, आप कहाँ से लाएंगे पैसा? आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो। चुनाव को 2-4 महीना है, 2-4 महीने के बाद ये सब डामाडोल होने वाला है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को देने की जरूरत है, उसके बारे में आपके पास कोई योजना नहीं। बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ रही है, उस बारे में आपके पास रोजगार देने की योजना नहीं। महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग गुजरात में आप लेके जा रहे हो, उस बारे में हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के मुंह पर ताला लगा है। चुनावी योजना है, चुनावी जुमला है और कुछ नहीं। पर इससे आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र की तिजोरी पर परिणाम हो सकता है? देखिए, तिजोरी की चिंता किसको है महाराष्ट्र की? बस चुनाव की राजनीति है, चुनाव जीतना है और क्या है। तिजोरी बिजोरी की चिंता होती तो बहुत सी बात है, पूरा महाराष्ट्र लूट रहे, 50-50 करोड़ में विधायक और सांसद खरीदे जाते, कहां से आता है पैसा ये? तो लाडला भाई योजना पर संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया, कहा है कि सरकारी पैसे से वोट खरीदने की योजना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।